अल्लाह स्टूडेंट्स टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस एग्जांपल एग्जांपल 1.1 फ्रॉम वन फ्राम चैप्टर वन ठीक है और पेज नंबर जो है वो है टेन आपकी टेक्स्ट बुक का अब इस एग्जाम्पल uh, को हम सॉल्व कर लेते हैं और कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि हर नोमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो कुछ हेडिंग्स उसमें आपने ज़रूर पुट करनी है तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल uh, कैसे सॉल्व होगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम uh, इस नोमेरिकल की स्टेटमेंट देखेंगे इस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट में क्या बताया हुआ है हाउ मेनी प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग एटोमिक मैस टू थर्टी एट एंड एटोमिक नंबर नाइनटी टू तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी नोमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी होती है कि क्या चीज हमें गिवन है यानी गिवन डाटा क्या है और क्या चीज हमने फाइंड करनी है सही तो सबसे पहले आपको ये चीज तो नजर आ रही है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैथ नंबर और एटॉमिक इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए तो ये तो हमारे मैस ये हमारे पास नंबर दिया हुआ है और साथ साथ ये हमारे पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो दो ही चीजें हमें गिवन है और फाइंड हमने क्या करनी है दो चीजें एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं है तो ये बहुत ईजिएस्ट न्यूमेरिकल लेकिन फिर भी ये बेस है चूंकि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके चैप्टर की तो ये आपने सबसे पहले क्या हेडिंग देनी है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हेडिंग जो है वो आपकी आएगी सोल्यूशन ये आपकी मेन हेडिंग है इस मेन हेडिंग में सब हेडिंग्स होंगी वो हम वन बाय वन देखते हैं तो फर्स्ट सब हेडिंग जो है वो है गिवन डाटा गिवन डाटा में आपने पुट कर लिया कि आपके न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में क्या क्या चीज गिवन थी मैथ नंबर गिवन था वो हमने लिख लिया और अटोमिक नंबर गिवन था वो भी हमने लिख लिया नेक्स्ट हेडिंग इज टू फाइंड नेक्स्ट जो है वो क्या होगी गिवन डाटा के बाद टू फाइंड और टू फाइंड में हमने क्या लिखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन एक फाइंड करने है दूसरे हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं वो भी लिख लिए अब नेक्स्ट हेडिंग होगी फॉर्मूला पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है हमने तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि इस इस डेरिवेशन या फॉर्मूले को आपने उस तरीके से याद कर लेना है ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन ठीक है यहां पर यह है मास नंबर और ये है एटॉमिक नंबर और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि कैलकुलेट इसको हम किस तरीके से करेंगे कैलकुलेशन uh, में हमें ये चीज़ पता है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वलेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के एटॉमिक नंबर हमें गिवन है ये ऊपर गे एटॉमिक नंबर हमें गिवन है दैट इज़ नाइन्टी टू और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डेफिनेटली यही होंगे तो हमने ये चीज़ फाइंड कर ली यानी पहला हमने पहली चीज़ फाइंड कर ली जो कि हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं नाइन्टी अब नेक्स्ट हम सेकेंड पोर्शन की तरफ चलते हैं जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम वही फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे ए इज इक्वल टू जी प्लस एन हमने चूंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो हम इसको उस तरफ ले जाएंगे आ, हमारी जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड है तो ये यह यहां पर प्लस हो रहा है यहां जाके माइनस हो जाएगा ए माइनस जी आ जाएगा जब हम इसको अरेंज करेंगे तो बाय रीअरेंजिंग यहां पर होगा एन इज इक्वल टू ए माइनस जी ए यानी एटॉमिक हमारे पास मास नंबर सॉरी एटॉमिक मास मास नंबर हमारे पास यहां गिवन डाटा में दिया हुआ था 238 ये हमने वैल्यू पुट कर ली और जी यानी एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ था 92 जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी माइनस करेंगे तो सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा वन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे वन तो ये हमने सेकेंड वाला पार्ट भी जो है वो सॉल्व कर लिया है फाइंड कर लिया अब अगली जो बारी आती है वो होती है रिजल्ट की विदाउट रिजल्ट जो है वो आपको कंप्लीट नंबर मतलब पूरे नंबर नहीं मिलते किसी भी क्वेश्चन में तो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है तमाम हेडिंग्स के साथ साथ आपको लास्ट पे हेडिंग देनी है रिजल्ट की और ये रिजल्ट आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में देना होता है ठीक है यहां पर हमने कैलकुलेट तो कर लिया है एक इक्वेशन की फॉर्म में लेकिन जो आप रिजल्ट में लिखोगे आप रिजल्ट में हमेशा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखोगे कि हमने क्या कैलकुलेट किया है तो वी हैव कैलकुलेटेड दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर नाइनटी टू एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर वन फोर्टी सिक्स तो ये आपका कंप्लीट न्योमिकल था जो आपकी टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल नंबर वन पॉइंट वन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दी है आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इससे रिलेटेड जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आएंगी तो हम उसको भी साथ साथ सॉल्व करेंगे